में बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे इधर उधर बिकॉज ऑफ रफ ड्राइविंग एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत रफ यूज़ हुई है ये गाड़ी, बट अभी मैं इसको जब यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो मैं टिपिकली खोज नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पे वो स्क्रैचेस थे, और इसकी शाइन जो है वो नई गाड़ी से भी बेटर है। वेलकम टू गेयर प्लस। सो आज हमारे पास है ये टाटा सफारी जिसपे हमने की है सेरामिक कोटिंग, और ये गाड़ी आई थी जमशेदपुर से। सो अब चलिए हम जानेंगे कि कैसा काम लगा हमारा। काम वाकई में बहुत अच्छा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसी जगह थे इस गाड़ी में जो मुझे लगता ही ना कभी साफ़ हो सकती है, और इतना अच्छा लुक आ सकता है गाड़ी में। जैसे इसका सनरूफ का एरिया जो था वो मैं बहुत मुश्किल से साफ़ कर पाता था, या फिर जो सामने का बोनेट वाला एरिया और ये सब चीज़ें थी बस बिल्कुल अप्रोचेबल नहीं थी वो, और इन लोगों ने बहुत अच्छे से वो काम किया है। और उसके बाद आइसिंग ऑन द केक है, जब मैंने सोचा है, मैंने काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना इनका कि इनकी सेरामिक कोटिंग या पेंट करेक्शन का जो जॉब है वो प्रॉब्ली बिहार में इज द बेस्ट सर्विस ऑफ ईयर। सो मैं आया इनके पास और मैंने उनसे सर्विसिंग करवाई अपनी गाड़ी की। तो मैंने ये गाड़ी बहुत रिसेंटली ली है, उसमें बहुत सारे स्क्रैचेज आ गए थे इधर उधर बिकॉज ऑफ रफ ड्राइविंग एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत रफ यूज़ हुई है ये गाड़ी, बट अभी मैं इसको जब यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो मैं टिपिकली खोज नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पे वो स्क्रैचेस थे, और इसकी शाइन जो है वो नई गाड़ी से भी बेटर है। अगर आप दिखाएं इस गाड़ी पे तो मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये गाड़ी शोरूम से भी बेटर दिख सकती है गेयर प्लस आने के बाद। कई लोगों ने मुझे एक्चुअली कहा था कि ऐसा होता है कि वहाँ से जब गाड़ी निकलती है तो शोरूम से भी अच्छी दिखने लगती है, और वो सही में मैं देख रहा हूँ। सो ऑल थैंक्स टू ऋषि एंड हिज टीम कि उन्होंने मेरी गाड़ी को इतना अच्छा केयर दिया। आई टोटली फील लव्ड, माय कार फील्स लव्ड। थैंक यू ऋषि, थैंक यू। एंड एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि क्या वर्थ था जमशेदपुर से यहाँ तक ड्राइव करना इस काम के लिए? टोटली यहाँ से जमशेदपुर से यहाँ तक बिल्कुल वर्थ था। मैंने वो सुना था झारखंड एरिया बिहार एरिया में, मैंने सोचा सुना नहीं था कि कोई ऐसा अच्छा टिपिकल डिटेलिंग में बिल्कुल हाथ डाल के अच्छे से काम करता है। तो मैंने बहुत अच्छा रिव्यूज़ पढ़े थे इसके फेसबुक पे या यूट्यूब पे, मैंने देखा था बहुत सारे वीडियोस। तो एक ड्राइव करने का मूड था तो मैंने सोचा अगर ड्राइव करना ही तो वाई नॉट गोइंग टू दिस डायरेक्शन, यहाँ पे सही में एक्चुअल में मेरी गाड़ी का अच्छा से केयर हो पाए, एंड मैं बिल्कुल टोटली सैटिस्फाइड हूँ, वेरी हैप्पी विद द थिंग दैट आई एम सीइंग। सो और ये सही में बिल्कुल आई एम स्पीचलेस एक्चुअली, मेरे पास वर्ड नहीं, मैं बता सकूँ कि मेरी गाड़ी कितनी अच्छी दिख रही है अभी। थैंक यू वेरी मच।